और एक अंडा मैंने अभी, ये जो हमारे चूजे हैं इस केस से निकाला, वो ये रहा। इनकी जो मदर है ये भी माशाल्लाह से लेइंग स्टार्ट कर दिए। जो लकवा है ये रिकवर नहीं होता, बहुत कम चांसेस है, मगर ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% रिकवर हो गया। इसकी आप गर्दन देख सकते हैं। अच्छा, इसने अब मुझे नहीं पता, इसके नीचे मैंने 15 अंडे रखे थे, इसने अब इसके नीचे कुछ अंडे टूट गए और कुछ अंडे फटाइल थे जो मैंने हटा दिए। तो चलें पहला अंडा उठा दें। अंडे के वेट से तो लग रहा है इसमें कुछ है। और व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हमारा चैनल है उस पर एक वार्निंग आ गई थी, इस वजह से मैंने व्लॉग्स डालना छोड़ दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेटअप में क्या अपडेट है, आपसे शेयर करता हूँ। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सेटअप में सबसे पहले हम जो काम करते हैं कलेक्शन वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अंडा इसका है, ये गिरा हुआ है क्योंकि ये केज में सुराख है, इसको सही करना है, इससे नीचे गिर जाता है। और एक अंडा मैंने अभी, ये जो हमारे चूजे हैं इस केज से निकाला, वो ये रहा। इनकी जो मदर है ये भी माशाल्लाह से लेइंग स्टार्ट कर दिए। मैंने इनको सेपरेट इसलिए नहीं किया था कि मैं सोच रहा था अभी ये जो गर्मी, आपको पता है बहुत है, ये गर्मी निकल जाए उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं इस फीमेल को अलग करूंगा, मगर अब मुझे अलग करना पड़ेगा क्योंकि अभी एग ले करना शुरू कर दिए इसने, तो ये अपने बच्चों को मारी और ये केज भी काफ़ी कंजेस्टेड हो गया। आप माशाल्लाह इन सबकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं है, 3 महीने के हैं, और आप इनकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं, अच्छी खासी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। इनकी मुझे डिवर्मिंग भी करनी है क्योंकि इनमें से कुछ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और कुछ की ना हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर है, तो डिवर्मिंग हो जाएगी तो अच्छा होगा, इन सब की ग्रोथ फिर एक साथ ही होगी। और यहाँ भी देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जो इनके साथ था ये भाई है जिसने ये चूजे एक्सेप्ट कर लिए थे, इनकी मदर ने इनको अलग कर दिया था तो इसने एक्सेप्ट कर लिया था इन दोनों को, ये दोनों भी सेट है माशाल्लाह से। और एक अपडेट ये है जो खुशी की भी खबर है, देख सकते हैं हमारा शेरू, मैं आपको दिखा दूँ। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, उन्होंने बोला था कि जो लकवा है ये रिकवर नहीं होता, बहुत कम चांसेस है, मगर ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% रिकवर हो गया। इसकी आप गर्दन देख सकते हैं और इसके साथ भी जो फीमेल थी वो ये रही, वो भी सही है। और आप इसकी देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी बेहतर है, मैंने जैसे बोला कि 50% ये रिकवर कर चुका है। आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं, हेड पोजीशन देख सकते हैं, इसने अपना सर सीधा कर लिया है और ये पहले तो बिल्कुल ही झुका के रखता था गर्दन, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसकी भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, मेहनत तो हो रही है मगर उसका रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है, वरना मैं सोच रहा था इसको ज़िबा ही कर दूँ। तो चलें, ये गुड साइन है कि ये अपनी बीमारी से रिकवर हो रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे। और स्केच की तरफ आ जाएं तो इस पेयर ने भी एग लेइंग स्टार्ट कर दी, गर्मी बहुत है, मैं नहीं चाह रहा था कि इस सीज़न में लोग एग ले करें, मगर चलें इन्होंने लेइंग स्टार्ट कर दिए। अभी दाना पानी नहीं है कहीं भी, तो सबसे पहले गर्मी बहुत है, इन सबका दाना पानी चेंज करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इनको डिहाइड्रेशन ना हो, आपके सारे बर्ड्स को, आपने जो भी बर्ड्स रखे हैं उनको, उनके पानी में आप लाजमी उनको आप ORS लाजमी दें पानी में मिला के। और ये इनकी डाइट भी तैयार है, मुर्गियों की डाइट इनकी पड़ी है, इनको डाइट देते हैं। और मैंने ये गंदम भिगोई हुई थी, ये इन सारे ऑस्ट्रेलियन बजरीज को ये हमारी जो गंदम है ये ऑफर करते हैं, पानी चेंज करते हैं, फिर मैं आपसे कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर करता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबका दाना पानी चेंज हो गया है, और जैसे मैं बात कर रहा था गंदम की, जो मैंने सॉफ्ट फूड में भिगोई थी वो भी मैंने दे दी है, और आपने पानी भी चेंज कर दिया, और पानी में लाजमी आपने इनके ORS डालना है, आपको पता है गर्मी बहुत है, तो इससे क्या होगा कि ORS इनकी इम्यूनिटी में इनकी हेल्प करेगा और आपके बर्ड जो हैं वो हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। बाकी सब जितने भी बर्ड हैं सबको दाना पानी डाल दिए, मुर्गियों को डाल दिए, सारे चूजों को डाल दिए, सब अपना दाना पानी खा रहे हैं। और एक काम मुझे मैंने करना है, अभी मैंने देखा ये जो पेयर था इन्होंने माशाल्लाह 4 बच्चे निकाले, 2 ये बॉक्स के ऊपर बैठे हुए, एक ये नीचे बैठा था और एक ये रहा, और ये अब सेल्फ हो चुके हैं। अभी मैंने देखा इनके ब्रीडिंग बॉक्स में इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने दोबारा से एग ले कर दिए और इनकी मदर इनको मार भी दी थी। तो सबसे पहले कि हम कोई नुकसान हमें उठाना पड़े तो हम इन बच्चों को सेपरेट करते हैं, क्योंकि अब इनकी जो मदर है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके जो एग हैं उनमें से नया क्लच निकलना, ये देख सकते हैं
इनका फादर भी इनको मार रहा है, तो अभी इनको जल्दी से सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके इनके केज में करता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा दोस्तों, इनको मैंने शिफ्ट कर दिया और ये 5 से 10 मिनट लगेंगे इस केज में एडजस्ट हो जाएंगे, तो अच्छा है, ये मैंने जल्दी देख लिया। और एक अपडेट और है, यहाँ पर जो एक जावा का पेड़ था आपने देखा होगा, इन दोनों को मैंने साथ ही कर दिया, इन दोनों पेड़ों को इसी केज में मैंने छोड़ दिया, अगर आपको नजर आ रहा हो। और ये दोनों बॉक्सेस मैंने लगा दिए, एक यहाँ लगा दिया, एक सामने लगा दिया, वो इसलिए लगाया कि मैंने क्या पता, मैंने सोचा कि क्या पता ये सेपरेट में ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो क्या पता ये एक साथ रह के ब्रीडिंग करना कर दें। और वैसे भी गर्मी बहुत है तो इनका सीज़न नहीं है ब्रीड का। मैं कुछ दिनों में बॉक्सेस सबके उतार दूंगा, मैंने बस ऐसे ही टेस्ट के लिए छोड़ा है कि क्या पता इनका कोई बॉन्ड वॉन्ड बन जाए और ये ब्रीड कर दें, और ब्रीड वैसे नहीं करेंगे, मुझे पता है इनका सीज़न नहीं है। बाकी इस केज में देख लेते हैं क्या अपडेट है, इस केज में ये अंडे पड़े हुए हैं, सामने भी अंडे, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ये दो बच्चे थे, ये भी सेल्फ होने वाले माशाल्लाह से, इनकी ग्रोथ भी सही है। बाकी इस केज की तरफ आ जाते हैं, इस केज में मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं करे ब्रीडिंग बॉक्स, तो इंशाल्लाह कल चेक करूँगा मैं सारे ब्रीडिंग बॉक्स। यहाँ पर अभी मुझे ब्रीड दिख रही है कुछ बॉक्सेस के अंदर, तो इंशाल्लाह कल सारे ब्रीडिंग बॉक्स चेक करेंगे और चलते हैं। जो मैंने आपसे अपडेट शेयर करनी थी, तो जो मैंने आपसे अपडेट शेयर करनी थी वो ये रही, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा ये जो हमारी मुर्गी है ये अंडों पर बैठी थी। अच्छा, इसने अब मुझे नहीं पता, इसके नीचे मैंने 15 अंडे रखे थे, इसने अब इसके नीचे कुछ अंडे टूट गए और कुछ अनफर्टाइल थे जो मैंने हटा दिए। और कल एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है, 2 मुझे अंडे मिले जिसमें से एक डेड इन शेल था और एक चूजा बाहर आके पूरे मतलब अपने एक शेल ब्रेक करके बाहर आ चुका था, और जब मैंने आज सुबह आके देखा तो वो जो चूजा है वो मर चुका था। अब टाइम तो पूरा हो गया है, मैंने इसके नीचे बाकी जो अंडे उनकी कैंडलिंग करता हूँ, अगर देखता हूँ वो सही है तो उनको रहने देता हूँ, वरना फिर हटा देता हूँ। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये इसके ऊपर एक तरीके से जुलूम ही है, फजूल में अंडों पर बैठी हुई प्रोड़ी हुई है, तो इसको भी थोड़ी आज़ादी देते हैं। अगर चेक करते हैं अंडे बाकी सही हैं तो इसके नीचे रहने देते हैं, वरना हटा देते हैं। तो कल निकला था, आप देख सकते हैं तो पूरा प्रॉपर चूजा है, ये भी नहीं कि ये अपने टाइम से पहले निकल आया हो, तो ये चूजा भी इसकी भी जो जो देख सकते हैं प्रॉपर ग्रोथ थी, मगर पता नहीं क्या रीज़न बना जिस तरह से बाहर नहीं आ पाया। तो चलें मैं इस फीमेल को बाहर निकालता हूँ, बाकी फिर इसकी अंडों की कैंडलिंग करता हूँ, देखता हूँ बाकी अंडों में कुछ है प्रोसेस है या नहीं है, और फिर इसको मैं आज़ादी देता हूँ। ये मैंने मुर्गी को बाहर निकाल दिया और इसके नीचे अभी कुछ खास अंडे नहीं है, 15 अंडे थे और ये 1 2 3 4 5 अंडे पड़े हैं, तो मैं एक एक को उठाता हूँ और फिर इनकी एक एक करके कैंडलिंग करता हूँ, देखता हूँ उनमें कुछ प्रोसेस है या नहीं है। तो चलें पहले अंडा उठा दें, अंडे के वेट से तो लग रहा है इसमें कुछ है। इसमें से लाइट पास तो नहीं हो रही, पर डायल है। दूसरा अंडा उठा सकते, इसके अंदर से भी कोई लाइट पास नहीं हो रही, ये भी फर्टाइल है। तो मैंने सारे अंडों की कैंडलिंग कर दी है, तो ये जो 5 जो अंडे बचे हैं रिमेनिंग, ये 5 के 5 फर्टाइल हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इन पे बैठने देते हैं और इसका दाना पानी दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, तो होप सो ये इनमें से चिक्स निकाल देगी, उम्मीद तो मुझे पूरी है कि ये इनमें से चिक्स निकाल दे और ये अपना डाइट खाने आ रही है। चलें इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको इसकी डाइट खाने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको इसकी डाइट खाने देते हैं, अपनी डाइट खा के वापसी जाके ये अंडों को इनक्यूबेट करेगी और सही से इनक्यूबेशन कर रही है। और बाकी मैं आपसे ये बोल रहा था, जैसे मैंने ये व्लॉग के स्टार्ट में बोला कि ये जो फीमेल इसने एग ले दोबारा स्टार्ट कर दिए, तो मुझे इसको सेपरेट करना। आप इनकी चूजों की ग्रोथ देख सकते हैं माशाल्लाह, ऑलमोस्ट अपनी मदर की इस माशाल्लाह वाले चूजे की हाइट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट अपनी मदर के इतना हो गया, ये वाले चूजे की भी आप देख सकते हैं ग्रोथ। तो मुझे जल्द अज जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, और इनको भी सोच रहा हूँ मैं कुछ डिफरेंट केज में शिफ्ट करूँ, काफ़ी छोटा है, मुझे कुछ रिपेयर कराने, जैसे मैंने आपसे बोला था जो लास्ट कैट ने अटैक किया था, तो मैंने सोचा हुआ भी था कि मुझे केजेस
रिपेयर कराना है कि मेरे पास ये गेज है, अच्छा खासा बड़ा गेज है, इसकी फ्लोरिंग बस टूटी हुई है, तो सोच रहा हूँ इसकी फ्लोरिंग लगवा लूँ और ये जितने भी चिक्से हैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अच्छा खासा बड़ा गेज है। तो चलें मैं देखता हूँ अभी, क्योंकि ईद करीब है मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे मैं आपको बता दूँ क्योंकि जो हमारा चैनल है उस पर एक वार्निंग आ गई थी, इस वजह से मैंने व्लॉग्स डालना छोड़ दिए थे। आप इस वार्निंग से रिलेटेड यूट्यूब को अपील कर सकते हैं कि आपने वार्निंग क्यों दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिख के दिया था मेरा, क्योंकि वार्निंग आपको पता है स्ट्राइक क्यों आती है, 2 वजह से आती है। आपने कॉपी राइट क्लेम होता है आपकी वीडियो पे, आप किसी यूट्यूबर का या क्रिएटर की आप जो क्लिप है वो अपनी वीडियो के साथ अटैच कर लेते हैं, या फिर कोई भी कॉपी राइट आ जाता है गाना कोई आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे जो एक काफ़ी पुरानी वीडियो है जो मेरा सेकेंड या थर्ड ब्लॉग है उसके थंबनेल पे मेरा कॉपीराइट आया है। तो क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो अब यूट्यूब की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो अब मेरे चैनल पे जो है वो अब, क्योंकि वो यूट्यूब जो है वो अपनी जितनी भी कंटेंट मैनेजमेंट है वो मेरे कंटेंट को मॉनिटर करती है, तो वैसे भी करती है जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, मगर अब वो प्रॉपर मेरे कंटेंट को मोनेटाइज कर रही है। तो ये मैं इसका नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूँगा। मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गया था मगर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, मुझे काफ़ी दोस्तों ने बकअप करा कि नहीं आप व्लॉगिंग कंटिन्यू रखो, इंशाल्लाह आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बस ये थंबनेल पे मेरे पास आया था, और थंबनेल भी मेरा कोई कॉपीराइट थंबनेल नहीं था, वो थंबनेल में दो पुरानी वीडियो थी, दो जो मेरे पुराने जो मुर्गे थे वो आपस में लड़ गए थे, तो मैंने कोई ऐसी वॉल्यूशन नहीं थी, उसमें भी दोनों मुर्गे अलग अलग थे, मगर YouTube की पॉलिसी है कि आप कोई भी ऐसी तस्वीर मतलब जिसमें वल्गैरिटी हो, मगर उस तस्वीर में कोई वल्गैरिटी वगैरह नहीं थी ना, और ना ब्लड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते, तो बस उसका कुछ ब्लड निकल रहा था क्योंकि वो लड़ा था मुर्गा। तो ये मेरी गलती थी, मैंने पूरी कम्युनिटी गाइडलाइन उनकी यूट्यूब की जो वो रीड कर ली है, तो इंशाल्लाह होप सो अब नेक्स्ट कोई हमारे पास कोई वार्निंग नहीं आएगी यूट्यूब की तरफ से। क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था, मगर एक मेरी फ्रेंड है उन्होंने मुझे काफ़ी बकअप करा, सपोर्ट करा कि आप व्लॉग डालें, कोई बात नहीं, वार्निंग आई है, स्ट्राइक नहीं आई आपके चैनल पे, तो होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जेड के किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।